नमस्कार प्यारे बच्चों, फिर आ चुके हैं हम लोग 24th जैन के सेकेंड शिफ्ट की चैप्टर वाइज एनालिसिस लेके कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए और आने वाले बच्चों को कौन सा चैप्टर ज़्यादा रिवाइज करके जाना है जिससे वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मेरे साथ हैं निखिल श्रीवास्तव सर, जो JEE डिवीज़न के एकेडमिक हेड हैं, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई कैसे कैसे कौन से चैप्टर से। सबसे पहले सर फिजिक्स एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा सा पेपर का भी बात कर लेते हैं सर बच्चों को, क्योंकि पेपर बेटा वैसे ही है जैसे सुबह की शिफ्ट में आया था, ऑलमोस्ट बच्चों से जो बात हुई उसके करस्पॉन्डिंग। और फिजिक्स अगर हम मैं सब्जेक्ट वाइज चलूंगा तो फिजिक्स ईजी था, केमिस्ट्री मीडियोकर लेवल पे था, प्लस लेवल पे थोड़ा बोला गया है, पिछले मॉर्निंग से बेटर आया है। हाँ। और मैथ्स मॉर्निंग से इजी था लेकिन लेंदी था, जैसा मॉर्निंग का पेपर भी लेंदी था बच्चों ने बताया, वैसे ये पेपर भी लेंदी आया है क्योंकि कुछ चैप्टर्स हैं जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आपको खुद आइडिया लग जाएगा लेंदी क्यों था वो। लेकिन सर बच्चों से बात करके ऐसा लगा कि जैसे 2022 का जो पेपर था उससे इजी, हाँ उससे लास्ट ईयर से पेपर इजी आ रहा है ऐसा बच्चों ने बोला है, मतलब ऐसा बच्चों ने बोला है, क्योंकि जब तक एग्जैक्ट पेपर नहीं आता है तब तक अपन कोई कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों ने बोला है इसलिए अपन बात कर रहे हैं, बच्चों का ऐसा व्यू है। करेक्ट है। चलो तो बेटा बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग का फटाफट फिजिक्स की बात करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये फिजिक्स के चैप्टर्स लिखे हुए हैं, ध्यान से आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा। तो हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की। तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जो कि 12th का चैप्टर था, उससे अप्रॉक्सीमेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 से दो क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से दो क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस से एक क्वेश्चन आया, मैग्नेटिज्म से एक क्वेश्चन आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिव करंट बाय डिफॉल्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आया ऐसा बच्चों ने बताया है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक क्वेश्चन आया, मतलब ओवरऑल 8 क्वेश्चन आए हैं, मतलब आउट ऑफ 30 की ये कैलकुलेशन थी जिसमें से 8 क्वेश्चन है, मतलब एक अच्छा खासा वेटेज कवर किया है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। तो जिन बच्चों ने इनको रिवाइज नहीं किया उनको मेरा सजेशन है प्लीज जरूर रिवाइज करके जाएंगे इस चैप्टर को। जैसे मॉर्निंग वाले स्लॉट में मैग्नेटिज्म मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज्यादा आई थी सर, करेक्ट है, इसमें मॉडर्न फिजिक्स आई है, ठीक है। फिर हम बात करने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल फिजिक्स की, उसके अंदर जो चैप्टर इंक्लूड होते हैं हीट 1 है उससे कोई क्वेश्चन नहीं था, हीट 2 से दो क्वेश्चन आए, इलास्टिसिटी से एक क्वेश्चन आया, थर्मल एक्सपेंशन से कोई क्वेश्चन नहीं है, फ्लूइड से एक क्वेश्चन है, और सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी से एक क्वेश्चन। थर्मल एक्सपेंशन अगेंस्ट शायद केमिस्ट्री वाला पार्ट ही सर यहां पे देखा होगा, हीट 2 वाला केमिस्ट्री वाला। अच्छा, हीट 2 में बच्चों ने जो बोला है बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट होता है, तो आप अगर फिजिक्स में पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में भी फायदा आता है, केमिस्ट्री पढ़ते हो तो फिजिक्स में भी आपको प्रॉफिट करेक्ट मिलता है। तो ओवरऑल 4 क्वेश्चन आए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल फिजिक्स से, ठीक है बच्चों, और ये पूरा 11th का चैप्टर है, तो इसको अगर आपने रिवाइज कर रखा होगा तो एक अच्छा खासा वेटेज भी कवर कर रहा है। फिर बात करते हैं अपन मैकेनिक्स, जैसे कि बच्चों बोलते हैं 11th में बहुत टाइम हम लोग मैकेनिक्स में देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है मैकेनिक्स, तो उससे ओवरऑल क्वेश्चन तो 4 ही आए हैं, बट जो चैप्टर्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग काइनेमेटिक्स से एक क्वेश्चन आए हैं, कंस्टेंट मोशन एनएलएम और सर्कुलर का मिला करके कोई क्वेश्चन था इसके बच्चों ने उसको एक लिखवाया है, वर्क पावर एनर्जी का एक क्वेश्चन आया, सेंटर ऑफ मास का कोई क्वेश्चन नहीं, रोटेशन का एक क्वेश्चन आया। तो बेटा मैकेनिक्स का वेटेज रिलेटिवली जो एक्सपेक्टेड था बच्चों का शायद उससे कम है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन मैकेनिक्स में थोड़ा बच्चा ज्यादा एक्सपेक्ट करता है। सर मैकेनिक्स जो है ना उसका यूज बहुत है, एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा होगा, वही यहाँ पे मेरे ख्याल से कवर होगा लेक्चर वगैरह में, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, तो नेक्स्ट हमारे ये 11th का चैप्टर था, तो 11th के चैप्टर से टोटल 8 क्वेश्चन अभी दिख रहे हैं आपको, 12th से 8, ठीक है, बराबर वेटेज हो चुका है। बात कर रहे हैं अपन मॉडर्न फिजिक्स की, देखिए 6 क्वेश्चन मॉर्निंग के शिफ्ट में भी अराउंड 6 क्वेश्चन के आसपास बच्चों ने बताया था, मॉडर्न 1 से 2 है, मॉडर्न 2 से 2 है, इलेक्ट्रॉनिक से भी कनेक्टर से एक है, कम्युनिकेशन सिस्टम से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, जो मॉडर्न 2 है ना सर, ये ही है अपना जो है केमिस्ट्री में भी रेडियोएक्टिविटी वगैरह, रेडियोएक्टिविटी एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो अगर आप मॉडर्न 2 अच्छे से कर लेते हो तो आपका केमिस्ट्री में भी फायदा हो जाएगा। मतलब बेसिकली सर की जो बात सुनी होगा आपने, मॉडर्न 2 और हीट 2 ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में काम आएंगे आपके, और यहां से दो क्वेश्चन ये दे रहा है, दो क्वेश्चन इधर, मतलब 4 क्वेश्चन आप मान के चलिए, तो अगर आपने फिजिक्स में 4 क्वेश्चन कवर किए तो आपके केमिस्ट्री भी कवर करके चलोगे, हो सकता है आगे हो केमिस्ट्री के एनालिसिस में। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिक्स पे आते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, एक एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी, एक एक क्वेश्चन का रहता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस है, एप्लीकेशन वाइज हो सकता है इसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रो में हो, डायरेक्ट मैं आपको एप्लीकेशन वाइज तो नहीं बता पाऊंगा, पेपर जब आएगा तभी बच्चा बता पाएगा। फिर आते हैं अपन, ये 12th का चैप्टर हो गया, 11th का चैप्टर आता है नेक्स्ट, SHM वेव्स एंड साउंड वेव्स, तो एज यूजुअल एक्सपेक्टेड था, SHM से एक क्वेश्चन है, वेव से एक, से साउंड वेव से कोई नहीं है, दो क्वेश्चन इससे आए। फिर अपने पास आता है बेसिक यूनिट डायमेंशन, वेक्टर कैलकुलस, एरर एंड ग्रेविटेशन, तो बाय डिफॉल्ट ग्रेविटेशन से दो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था हमारे लिए भी, ग्रेविटेशन से दो क्वेश्चन है, वेक्टर कैलकुलस से एक है, यूनिट डायमेंशन से एक क्वेश्चन है, तो टोटल 4 क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों। अब इसके बेसिस पे जो ओवरऑल पेपर का एनालिसिस वाइज करी वो मैंने आपको बताया था, फिजिक्स का पेपर तीनों में सबसे इजी माना जा रहा है, सबसे इजी आया है अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट, बहुत जल्दी बच्चों से हो गया, काफी देखे हुए क्वेश्चन, PYQ से मैच करते हुए क्वेश्चन, हमारी टेस्ट सीरीज से मैच करते हुए क्वेश्चन आए थे, 11th के पोर्शन से 14 क्वेश्चन है, 12th के पोर्शन से 16 क्वेश्चन है, मतलब आप मान सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है 11th और 12th का, वैसे भी फिजिक्स में 11th में काफी पढ़ाया जाता है, अपन भी कोटा सिस्टम में भी अपन काफी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये फिजिक्स का बेटा ओवरऑल एनालिसिस था, अब केमिस्ट्री का एनालिसिस सर करेंगे।
हाँ सर, केमिस्ट्री आगे। केमिस्ट्री की जहाँ तक बात करें, जैसे आपको पता होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर मोल पढ़ते हैं, तो मोल से एक क्वेश्चन था, ठीक है, तो मोल से एक क्वेश्चन था। इसके बाद अपन बात करते हैं रेडॉक्स से। इस बार जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट में रेडॉक्स का क्वेश्चन था, इसमें रेडॉक्स का क्वेश्चन नहीं था। एटॉमिक स्ट्रक्चर से कोई क्वेश्चन नहीं था। गैसेस स्टेट में भी इस बार रियल गैस कवर किए, सुबह रियल गैस नहीं थी, तो इस बार रियल गैस कवर किए, एक क्वेश्चन रियल गैस से था। जहां तक मैं थर्मोडाइनेमिक्स की बात करूं, तो अगेन थर्मोडाइनेमिक्स में एक क्वेश्चन आया। मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री की थर्मोडाइनेमिक्स और फिजिक्स की थर्मोडाइनेमिक्स बिल्कुल डिक्टो कॉमन है, केवल वर्क का साइन कन्वेंशन अलग है। तो अगर आप केवल एक चीज याद रखते हो कि वर्क का साइन चेंज करना है, तो आपका फिजिक्स का क्वेश्चन भी हो जाता है और केमिस्ट्री का भी हो जाता है। इसके बाद मैं बात करता हूं थर्मोकेमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया, केमिकल इक्विलिब्रियम नो क्वेश्चन, आयनिक इक्विलिब्रियम अगेन, आयनिक इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन आया है। मैं आपको बता दूं, आपने अगर देखा होगा तो मॉर्निंग शिफ्ट में आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ दो क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन करेक्ट है, दो क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, अगेन केमिकल काइनेटिक्स आपको पता है, केमिकल काइनेटिक्स से हर साल क्वेश्चन आता है, हर पेपर में क्वेश्चन आता है, तो उसने रिपीट किया। केमिकल काइनेटिक्स से एक क्वेश्चन है, रेडियोएक्टिविटी कोई क्वेश्चन नहीं, सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हर बार शायद इससे कनेक्टेड आया था, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से। हाँ, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से कनेक्टेड रेडियोएक्टिविटी का क्वेश्चन। तो आप समझिए कि भाई अपन ने बात किया कि भाई सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हर साल हर पेपर में आएगा, वो आया, एक क्वेश्चन आया। इसके बाद अपन बात करते हैं भाई सॉलिड स्टेट से, इस बार क्वेश्चन नहीं था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक क्वेश्चन था, सरफेस केमिस्ट्री एक क्वेश्चन था, और इधर आप देखोगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन था, ये भी फिजिकल में ही काउंट होता है। तो वैसे तो 8 क्वेश्चन लिखे, बट एनवायरमेंटल को मिला लोगे तो टोटल फिजिकल के 9 क्वेश्चन थे, लगभग 1/3 ही मान सकते हैं कि 1/3। वैसे तो बच्चों का मानना है कि फिजिकल के क्वेश्चन कम आए, बट वो पेपर जब देते हैं तो समझ नहीं आता कि फिजिकल क्या है, ऑर्गेनिक क्या, क्योंकि उनको करने बच्चे थे, वार्निंग उन्होंने कर लिया उन्होंने। तो बेसिकली 1/3 मतलब इक्वल वेटेज ही दिख रहा है, क्योंकि 9 क्वेश्चन हो सकता है एक और बढ़ भी जाए, ठीक है। अपन ऑर्गेनिक की बात करते हैं। बेटा देखो ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक सारी कनेक्टेड है। सर आपने यहाँ पे ऑर्गेनिक का बाइफर्केशन भी नहीं किया है, उसका कुछ खास रीजन है सर? एक्चुअली क्या होता है कि चैप्टर ऑर्गेनिक में कभी चैप्टर वाइज नहीं आता है, क्योंकि क्या होता है कि सपोज हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो उसमें कार्बोनिल कंपाउंड भी यूज कर लेता है, उसमें अल्काइल हैलाइड भी यूज कर लेता है, इसलिए चैप्टर वाइज अलग करना थोड़ा सा ऑर्गेनिक में डिफिकल्ट होता है। तो जो भी रिएक्शन, जैसे जीओसी का एक क्वेश्चन था, चलो जीओसी को अपन सेपरेट कर देते हैं, भाई जीओसी से एक क्वेश्चन आया, आइसोमेरिज्म का एक क्वेश्चन आया, तो ये तो मैं अलग कर सकता हूँ कि जीओसी का एक क्वेश्चन आया, आइसोमेरिज्म का एक क्वेश्चन आया। बाकी अपन मेन ऑर्गेनिक की बात करें तो बहुत सारे रिएक्शन मिला मिला के आते हैं। जैसे बच्चों से मैंने बात करी तो बच्चों का ये कहना है कि टोटल सर ऑर्गेनिक में 10 क्वेश्चन थे, एग्जैक्टली 1/3 ही हो गया, 1/3 क्वेश्चन हो गया। क्योंकि देखिए होता क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड का क्वेश्चन है, अब उसमें आपने अल्कोहल की प्रॉपर्टीज यूज कर ली, तो आप ये तो नहीं कर सकते कि अल्कोहल का क्वेश्चन ही कार्बोनिल कंपाउंड का है। तो कंबाइंड सारा जो है रिएक्शन मैकेनिज्म वाला जो क्वेश्चन होते हैं, वो सारी ऑर्गेनिक कंबाइंड करके पूछी जाती है। ओवरऑल मैं बात करूं अगर केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो 10 क्वेश्चन, जैसा बच्चों ने बताया कि 10 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन आसान थे, बहुत कोई टफ नहीं था। मतलब अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है तो आपके क्वेश्चन वो परफेक्टली सही हो सकते हैं। एक रिवीजन की स्ट्रेटजी अगर मैं पूछना चाहूँ बच्चों को ऑर्गेनिक में, आप क्या देना चाहेंगे बच्चों को? क्या चैप्टर वाइज पढ़ना चाहिए कि मिक्स करके पढ़ना चाहिए, किस तरीके से वो पढ़े? क्योंकि ऑर्गेनिक जैसे आप बता रहे हैं मिक्स होकर। एक्चुअली में सर क्या होता है कि अगर चैप्टर वाइज पढ़ते हैं तो चैप्टर वाइज पढ़ने से अपने क्या होता है कि एक फील आता है कि यार अपन अलग अलग पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर हो गया, बाकी मिलाना तो है ही है, बाद में तो मिक्स करना ही है ना, बाद में तो मिक्स करना ही पड़ता है। तो बच्चों की चॉइस है, अलग अलग टीचरों के अलग अलग होते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी अलग होती है पढ़ाने की, अलग है। तो इस बात ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग शिफ्ट में बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन नहीं था, और इस बार 2 से 3 क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल के थे, मतलब केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सब मिला दोगे ना तो 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं, रट के जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चीजें सर इसमें रटने वाली होती है, तो अगर आप ये करके जाते हैं तो आप आगे आने वाले बच्चे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि जनरली वो बच्चे वही वीडियो देखेंगे जिनका एग्जाम आगे, तो आप अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा जिससे आपको इसका बेनिफिट मिले। भाई आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, आरएनए डीएनए से भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, हो सकता है आने वाले समय में, आने वाले पेपर में आरएनए डीएनए से भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप अच्छे से रिवाइज करके जा सकते हैं। अब इसके बाद इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए पीरियोडिक टेबल से 9 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग एज यूजुअल 1 क्वेश्चन, एस ब्लॉक एक क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ 3 क्वेश्चन थे, और इस बार भी बच्चे बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 क्वेश्चन है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हैं, बहुत
बढ़िया चैप्टर है सर, उसमें बहुत कुछ रटने का भी नहीं है। okay. अगर थोड़ा सा अच्छे से समझा जाए तो कोऑर्डिनेशन का माउंट बहुत अच्छे से हो सकता है, और तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, रिवाइज करके जरूर जाएं। बहुत रिवाइज करके कोऑर्डिनेशन का माउंट तो 100% आपको रिवाइज करके जाना है। ठीक है, मेटलर्जी से एक क्वेश्चन आया, ब्लॉक केमिस्ट्री पी ब्लॉक डी ब्लॉक से मिला के तीन क्वेश्चन है, एफ ब्लॉक से एक है, सॉल्ट एनालिसिस एज यूजुअल अपने सिलेबस में नहीं है, मेंस में एडवांस का है, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ अपने कवर कर लिया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कवर कर लिया, तो इस प्रकार से लगभग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वैसे तो क्योंकि अपन ने इधर अपन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ जिसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इसको फिजिकल में काउंट करेंगे तो 11 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में आए हैं, 10 क्वेश्चन ऑर्गेनिक में आए हैं, 9 क्वेश्चन फिजिकल में आए हैं, ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज हो गया, ऑलमोस्ट इक्वल है, वो तो अभी एग्जैक्ट कह भी नहीं सकते, थोड़ा तो इनऑर्गेनिक में फिजिकल लग रही हो, बच्चे को आईडिया ना लग पाए, क्योंकि बहुत सारा क्या हो रहा है बेटा कि अब क्या है फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की जगह केमिस्ट्री का पेपर आ रहा है, मतलब केमिस्ट्री का पेपर मतलब कि सब मिला दे रहा है, फिजिकल में ऑर्गेनिक मिला दे रहा है, ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक मिला दे रहा है, इनऑर्गेनिक में फिजिकल मिला दे रहा है, तो जब तक फाइनल पेपर नहीं आता सर ना तब तक एक्सेक्ट करना थोड़ा सा कोई रट के नहीं गया तब भी वो बच गया, बट इस पेपर में अगर वो रट के नहीं गया छूट जाएंगे, टफ लग गया होगा। तो बेटा ओवरऑल सर ने बता दिया आपको केमिस्ट्री का जो पेपर का ओवरऑल एनालिसिस है, एक मीडियोकर लेवल का पेपर था, काफी चीजें रटी हुई अगर आपको थी तो आपसे होंगी, बिल्कुल अगर आपने रट रखी थी, और जिन्होंने नहीं रट रखा तो उनको पेपर टफ लगा बेसिकली, और कुछ नहीं है। कुछ चैप्टर्स हैं मेजर सर कुछ बताना चाहेंगे, जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मुझे लग रहा है कि उसको बच्चों को रिवाइज तुरंत करके जाना चाहिए, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन देखिए केमिस्ट्री में अगर बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ब्लॉक केमिस्ट्री जो अभी फिलहाल मेरे को लगता है कि आपको ये चैप्टर ज्यादा रिवाइज करना चाहिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एज कंपेयर्ड टू, आप देखो फिजिकल में तो क्या हो रहा है हर चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल, और ऐसा भी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपको कह दूं कि यार फिजिकल का पर्टिकुलर चैप्टर आप रिवाइज करके जाओ आपको तीन क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा फिजिकल में नहीं है, ऑर्गेनिक में भी ऐसा नहीं है, बट ऑर्गेनिक में ऐसा हो रहा है। फटाफट लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को भाई आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और आप एनसीईआरटी से ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ के जाइए, 5 क्वेश्चन तो गारंटीड मिल गई। ठीक है ठीक है बढ़िया है, चलो बढ़िया। तो आगे बढ़ते सर मैं अपना सब्जेक्ट उठा रहा हूँ मैथमेटिक्स, आइए मैथ्स की बात कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्जेब्रा की, टाइपराइटर ने स्पेलिंग गलत दी थी कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स लॉग बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन आता है तो एप्लीकेशन वाइज आता है, वो नहीं आया हुआ है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन आया, सीक्वेंस प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, बायनोमियल थ्योरम के दो क्वेश्चन आए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन आया, और एक क्वेश्चन मैट्रिक्स मिक्स करके आया हुआ है, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन डिटरमिनेंट का आया हुआ है, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आया हुआ है, एक क्वेश्चन एक्सक्लूसिव मैट्रिसेस का आया, डायरेक्ट मैट्रिसेस का, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि अल्जेब्रा के टोटल 10 क्वेश्चन आए, 1/3 पेपर कवर कर रहा है अल्जेब्रा, वेटेज वाइज ज्यादा है, ठीक है, एक्सपेक्टेड भी था। मॉर्निंग के शिफ्ट में भी अल्जेब्रा के 8 या 9 क्वेश्चन थे, तो 10 क्वेश्चन इसमें है, जैसे 5 क्वेश्चन 11th वाले पोर्शन से हैं, 5 क्वेश्चन 12th वाले पोर्शन से हैं, अल्जेब्रा इक्वली डिवाइडेड थी। फिर हम बात कर रहे हैं कैलकुलस की, जो एक्सक्लूसिव 12th का चैप्टर है, उससे रिलेशन फंक्शन का एक क्वेश्चन आया हुआ है, लिमिट का एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, डिफरेंशिएबिलिटी एंड एमओडी मिक्स करके एक क्वेश्चन आया हुआ, फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड है वो, इंडेफिनिटीगेशन का एक बेसिक क्वेश्चन था, डेफिनिटीगेशन का एक बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट एओडी से बच्चों ने जैसा बताया है कि एओडी से कोई भी क्वेश्चन नहीं था सर, हो सकता है एप्लीकेशन वाइज हो, उनको अभी याद ना आया हो इसलिए, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेड थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है कि एओडी से क्वेश्चन, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। डिफरेंशियल इक्वेशन से दो क्वेश्चन बताएं, जैसे कि एक्सपेक्टेड भी था, हमने आपसे पहले ही बोल रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन का श्योर शॉट चैप्टर है, हमेशा क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन आए और एयूसी का एक क्वेश्चन है, ये भी एप्लीकेशन वाइज है। तो ओवरऑल कैलकुलस के 8 क्वेश्चन आए, मॉर्निंग शिफ्ट में 9 क्वेश्चन थे शायद या 10 क्वेश्चन थे, एक डाटा मुझे याद नहीं, बट 8 क्वेश्चन है, तो मतलब इसका भी आप मान सकते हैं कि वेटेज अच्छा खासा वेटेज है। तो अल्जेब्रा और कैलकुलस ने ऑलमोस्ट पूरा पेपर कवर कर लिया, मोटा मोटा अगर बात करें 18 क्वेश्चन हो गए, 18 क्वेश्चन कवर कर लिया उसने। फिर बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बाय डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे कम आई है, ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूंगा तो ज्यादा है, बट अगर एक्सक्लूसिव मॉर्निंग शिफ्ट में ज्यादा थी ज्योमेट्री, हाँ मॉर्निंग शिफ्ट में थी और इसमें भी ज्यादा ही है सर, लेकिन वो एक्सक्लूसिव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूंगा थोड़ी सी कम है। एक क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का, सर्कल का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बताया बच्चों ने, टफ था, और पैराबोला का एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो तीन क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आए हुए, जिसमें 11 के पोर्शन के दो क्वेश्चन है, 12 के पोर्शन से एक आया, एलिप्स और हाइपरबोला नहीं आए, थोड़ा सरप्राइजिंग था। उसके बाद मैं ज्योमेट्री को पहले नीचे ले लेता हूँ, वेक्टर 3D, इनसे 5 क्वेश्चन बच्चों ने बताए कि 5 के अराउंड क्वेश्चन आए सर, 3 क्वेश्चन 3D के और 2 क्वेश्चन वेक्टर के। तो मेरा जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे सजेशन है बेटा, आप लोग रिवर्स रिवीजन करिएगा, सबसे पहले आपका 3D और वेक्टर रिवाइज होना चाहिए, ये मेरे मानने, 3D वेक्टर रिवाइज करने के बाद आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज करिए, क्योंकि कैलकुलस और अल्जेब्रा में रिवीजन का उतना स्कोप नहीं जितना इसमें, क्योंकि ये रिजल्ट बेसिस है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए 3D और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए, PYQ से मैच करते हुए क्वेश्चन आए, डाटा वाइज क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन जो मॉर्निंग शिफ्ट में था शाम वाली शिफ्ट में भी शायद सेम क्वेश्चन है, ऐसा बच्चे ने बताया।
ठीक है, जिसने भी उसको किसी अपने फ्रेंड से पूछा था उसने। फिर बात करते हैं जेई मेंस के टॉपिक्स के, तीन क्वेश्चन जेई मेंस के टॉपिक से आए हैं और ट्रिग्नोमेट्री से एक्सपेक्टेड था कि कमी क्वेश्चन होगा, तो एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से आया हुआ है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का एक क्वेश्चन आया है, लेकिन वो आया है स्ट्रेट लाइन पे, मेक सेंस, मैंने उसको स्ट्रेट लाइन में डाल रखा है। तो तीन क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दिख रहे हैं, तीन क्वेश्चन जेई मेंस टॉपिक से दिख रहे हैं, जे मीन्स टॉपिक और ट्रिग्नोमेट्री मिलाकर के चार क्वेश्चन दिख रहे हैं, वेक्टर थ्योरी से पांच क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो ओवरऑल ये 30 क्वेश्चंस का एनालिसिस था, जिसमें 11 से अप्रॉक्सीमेटली 8 के आसपास क्वेश्चन दिख रहे हैं। ये बच्चों का एनालिसिस है बेटा, क्योंकि 11 से मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था 10 क्वेश्चन के अराउंड होना चाहिए था, 1/3 पेपर, और 12th से 22 क्वेश्चन आए हुए टोटल। तो मैथ्स का पेपर रिलेटिवली अगेन लेंदी था बट अप्रोचेबल था। जो बच्चों का फीडबैक आया उसके हिसाब से मॉर्निंग वाले बच्चों ने बोला था कि मैथ्स कैलकुलेटिव भी था, लेंदी था, टफ था, लेकिन इवनिंग वाली शिफ्ट वालों ने बोला है कि मैथ्स का पेपर अप्रोचेबल था, मतलब ऐसा पेपर नहीं था कि ना हो, बिल्कुल नहीं था, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि बच्चों से हुए ही नहीं, बहुत से क्वेश्चन भी काफी बच्चों ने बोला मैच किए डायरेक्टली, जो PYQs उन्होंने किए तो उनको मैच करें। तो ये ओवरऑल एनालिसिस के अपन ने बात कर ली बच्चों, तो इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, और मेरे ख्याल से बच्चों को लास्ट मोमेंट के रिवीजन के लिए काफी हेल्प मिलेगी। जो भी बच्चे कल का पेपर देने जा रहे हैं या परसों को पेपर देने जा रहे हैं, जिनका भी 30 से 1 को पेपर है, वो थोड़ा सा रिवीजन के टाइम पे इसको देख करके करेंगे तो लास्ट मोमेंट रिवीजन उनका थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। ठीक है ना सर, चलो तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, कल के एग्जाम के बाद फिर मिलेंगे अपन, ठीक है, थैंक यू।